Good morning, friends all over the world. How are you doing today? आप सब ठीक हैं? Everything is all right? देखिए दुनिया में एक त्यौहार क्रिसमस तो आ ही रही है, तो इसे सेलिब्रेट करें लाइक मी। और न्यू ईयर तो फिर है ही है दोस्तों। आपने कभी गौर किया 70% ऑफ द एशियन पॉपुलेशन उनकी बर्थडे जो है वो सितंबर से दिसंबर के दुरानिये में फॉल करती है, सिंपली कि शादियां नवंबर से मार्च के दरमियान होती हैं। ऐसे ही है ना भाजन, तो इसलिए और देखें सर्दियां भी कितनी खूबसूरत चीज़ है। आई मीन जी मैंने चाय रखी हुई है इधर। आह सर्दियों में खाने पीने का हर काम करने का, शादियां करने का, आने वाले गेस्ट का संभाला करने का, संभालने का सब मज़ा आता है। हर बंदा एंजॉय कर रहा होता है। इवन शादी वाला जोड़ा तो खासकर बड़े अच्छे मूड में होता है। ऐसे आई मीन नरम नरम कंबलों में बैठना और चलगोजे खाना है जी। और फिर आप समझते ही हैं कंबल की दुनिया की अपनी ही दुनिया है और उसके अपने ही फायदे हैं। शादीशुदा हज़रा के लिए तो कंबल नहायत ही एक बेहतरीन चीज़ है। आमीन। और बाकी दोस्तों आजकल आप गर्म अशिया खाएं और गर्मी के भी अपने मज़े होते हैं, ख़ासकर सर्दियों में गर्म चीज़ें खाना। लेकिन ये आपने ख्याल रखना है कि गर्म ठंडा नहीं हो जाना, क्योंकि हिकमत और यूनानी तिब के मुताबिक बास चीज़ें जब देखने में तो ठंडी होती हैं लेकिन अंदर से गर्म। जैसे हमारे यहाँ एशिया में एक कंसेप्ट बहुत चल रहा है यार, मछली जड़ी बड़ी गर्म होती है और ये करती है। प्रोटीन तो है, मज़ा तो आता है। और वाकई यार एक मच्छी खा के कोई बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने मेदे के मामलात को सही रखना। अपना ख्याल रखिएगा।